हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। और हमारा रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है और मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन है। और आज है 10वां रोज़ा और मेरा सुबह का मॉर्निंग रूटीन, पहले मैं सबसे पहले उठ करके और मैं किचन में ही आई थी, तो मैं पहले किचन में पूरा काम कर लूँगी, उसके बाद से मैं जाऊँगी घर में सफाई वफाई करने के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा रोज़ा जा रहा है और बहुत अच्छा मौसम है। हमारा रोज़ा उतना बुझा नहीं रहा है क्योंकि मेरा हम लोगों का ना भूख और ना ही प्यास लग रहा है, छोटा दिन भी हो रहा है और आराम से रोज़ा भी रह रहे, बच्चे से लेकर के बड़े तक सब रोज़ा रह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि इस बार रोज़ा बहुत अच्छा मौसम में हुआ है, तो इसलिए हम अपना रूटीन चालू कर दिए हैं। क्योंकि जितने ही सुबह में काम कर लेता है उतने ही सह रहता है, और जो दोपहर होती है तो फिर हिम्मत नहीं करता है। तो हम अपना रूटीन चालू कर दिए थे क्योंकि 7 बज गया था और मैं पढ़ करके और 6 बजे 5:30 बजे में उठ गई, 5:30 बजे में सो गई और उसके बाद से मुझे 7 बजे में उठी। तो सबसे पहले मैं किचन का ही पहले किचन क्लीनिंग की, किचन सफाई की, और उसके बाद से मैं घर में सब साफ की सब। तो 2 दिन से थोड़ा हालत ख़राब हो गया था क्योंकि 19 तारीख का मेरा लड़का का जन्मदिन था, तो इसीलिए उसके ही पार्टी में इतना ज़्यादा मतलब सब घर गंदा गंदा हो गया था। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो इसी बहाने घर के भी साफ हो जाएगा। तो 19 को कर दिया और 20 को इतना ज़्यादा काम हो गया था और आज 21 और 10वां रोज़ा। तो मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ काम पे, तो मैं पूरा काम कर लूँगी। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं कोशिश तो करती ही हूँ लेकिन मैं अच्छा वीडियो बनाने के लिए क्या करूँ। मेरा बच्चा है कि बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है, वो जब तक मोबाइल नहीं लेता है तब तक वो मानता ही नहीं है। अभी मैं वीडियो सिर्फ किचन का बना रही हूँ और झाड़ू पोछा का वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो फिर बीच बीच में वो परेशान कर रहा है तो मैं दे देती हूँ मोबाइल। तो अब मेरा इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को दुआ से मैं बहुत जल्द ही एक और मोबाइल ले लूँगी और ये वाला मोबाइल मैं अपने बच्चों को दे दूँगी, तो ज़रूर मेरे पास भी एक और इंशाल्लाह ज़रूर होगा। प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा रोज़ा रमजान में कि मेरा भी हर एक मनोकामना पूरी हो। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा किचन साफ़ कर लिया है और मैं अब सिंक को साफ कर रही हूँ। तो मैं मेरा कपड़ा बहुत फट गया था क्योंकि बार बार इसे पोंछते रहते थे, तो इसीलिए साफ़ करते रहते तो थोड़ा कपड़ा गंदा हो जाता था। और मैं यहाँ पे वाइपर नहीं रखती हूँ क्योंकि छोटा सा, क्योंकि मेरा नीचे पानी थोड़ा धोती हूँ तो गिर जाता है पानी, इसीलिए। तो मैं अब पूरा क्लीनिंग करने के बाद से मैं अपना रूम साफ़ करूँगी। तो मैं आधा वीडियो शूट की हूँ और आज मैं ऊपर भी साफ़ करूँगी बढ़िया से। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा क्लीनिंग कर लिया है और आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखिएगा पूरा एंड तक। अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और रमज़ान का अच्छा ही महीना है तो इसीलिए बहुत अच्छा दिन है माशाल्लाह। अल्लाह करे कि सबकी दुआ पूरी हो, सबकी परेशानी दूर हो और जितना गरीब हो जो भी, तो उन सबकी हर एक परेशानी को अल्लाह मियाँ ख़त्म करें। देखिए मैं सो के उठी तो साथ ही साथ मेरा लड़का उठ गया था और मेरा गला ख़राब है थोड़ा क्योंकि 2 दिन से मेरे को थकान थकान से लग रहा था।
तो मैं अम्मी को बुलाई ऑलरेडी काम उम करवाने के लिए, लेकिन रोज़ा रह के थोड़ा उतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है जितना आदमी सोचता है। मेरा जिशान है मेरा लड़का, तो वो इतना ज़्यादा परेशान कर देता है कि मैं क्या बताऊँ। इसीलिए मैं जितना हो सकता है, जितना मुझे हो सकता है, मैं ज़रूर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं अभी मैं पूरा किचन क्लीनिंग कर रही हूँ, और करने के बाद से मेरा ये फाइनल लुक आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं पूरा समेट समेट करके रख देती हूँ। और आज मैं पूरा डब्बा डुब्बी पूरा साफ़ कर दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और खुला मेरा किचन खुला है तो डेली मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि और आगे भी मेरा पूरा खुला खुला है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो मैं बहुत जल्द वहाँ पे पर्दा लगाऊंगी। तो अभी आंधी आंधी आज तो इतना ज़्यादा आंधी उठ गया था कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं चलती हूँ आप लोगों के। अरे देखिए, मेरा लड़का बीच बीच में परेशान करके रख दिया है, और ये वीडियो मैं बोल रहा है तो मैं इसको नहीं बोलने दी, ऐसे ही मैं इसका आवाज़ कट कर दी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये भी सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, इसीलिए मैं इसकी आवाज़ नहीं डालती हूँ। आप लोगों को आवाज़ से ज़्यादा इसकी चिल्लाहट सुनाई देगी, तो मैं इसलिए नहीं डालती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं आ गई हूँ रूम में अपना, और मैं कल के कपड़ा सुबह शाम को कल शाम को डाली थी। तो मम्मी के घर पे अफ्तारी करने के लिए चली गई, तो आने के बाद मैं नहीं उतारी छत पर से, तो हल्का सा धूप लगा करके और मैं उतार ली हूँ कपड़ा। देखिए, और मैं इसको पूरा फोल्ड कर दूँगी और अलमारी में रख दूँगी, उसके बाद से मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो मैं झाड़ू पोछा करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा लड़का ले लिया मोबाइल, और उसके बाद से मैं सब छत पे गई साफ़ करने के लिए, तो मैं वहाँ का वीडियो बनाई हूँ, तो देख लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने पूरा अपना छत पर से उतार करके कपड़ा ले आई। तो पहले इसको साफ़ कर दूँ रख दूँगी, और फिर बेड झाड़ करके और फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो देखिए, इतना अच्छा खासा रोशनी आता है मेरा रूम में, क्योंकि आगे से मेरा पूरा खुला खुला है, तो इसलिए सबसे पहले मेरे रूम में ही धूप निकलता है आता है। और मेरा गला ख़राब हो गया, क्योंकि थकान की वजह से इतना ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो प्लीज़ गाइस, मेरा गला ख़राब होने की वजह से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा, और इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जितना हो सकता है मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा कपड़ा फोल्ड कर दिया है, और करने के बाद से मैं सीधा काम कर लूँगी। नीचे का काम करने के बाद से ही मैं ऊपर जाऊँगी, क्योंकि ऊपर मेरा जाली बैठा था, तो मैं कल नहीं कर पाई, तो आज मैं करूँगी उस पर। तो मैं जैसे कि मैं बताई कि कल मेरे अबू आए थे, तो वही पाइप साफ़ हुआ, क्योंकि जो छत का पानी का पाइप में मेरा लड़का सारा कचड़ा डाल दिया था, कभी धूल मिट्टी का तो कभी कुछ का, हर एक चीज़ का वो डाल दिया था, लक्कड़ भी डाल दिया था, ईंट के टुकड़ा भी डाल दिया था, ब्रश भी डाल दिया था। तो इसीलिए कल सफाई हुआ, लेकिन आज कल ही सीमेंट लगा दिए थे अबू जाली बैठा करके, तो कल कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि छत को धोना था, तो इसीलिए तो मैं नहीं कर पाई। तो अब मैं सीधा जाऊंगी अपने छत पे, और छत पे ही दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितना गंद पड़ा हुआ है, और यही समरसिबल का ये पाइप है, तो मैं काट करके मंगवाई। मैं बोली आखिर ये वाला पाइप में डाल करके, और उसमें ना जैसे कि वो करते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं ना, तो जो भी मिट्टी उट्टी फंसा रहता है वो पानी निकल जाता है। तो कल इतना ज़्यादा पानी लगा हुआ था, तो देखिए साफ़ हो गया है। ये देखिए,
जाली अब वो बैठा दी है, अब इसमें मेरा लड़का कुछ नहीं डालेगा। ये देखिए, तो आज मैं पूरी तरीके से सफाई करूँगी। तो ये देखिए, छत पे मेरा टूंटी लगा हुआ है, तो मैं छत पे सब कुछ कर लेती हूँ। तो आज इसको पूरा समेट करके, झाड़ू लगा करके और इसको धो दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में करने से रोज़ा भी नहीं लगता है और आराम से कर भी लेता है लोग। और इतना ज़्यादा तूफान बह रहा था, इतना ज़्यादा हवा बह रहा था कि इधर से उधर कपड़े मतलब गिर गिर जा रहे थे। देखिए सुबह का एकदम 7 बजे का ये लुक है। और देखिए सुबह सुबह जनानियाँ मंदिर में जाती है लोग पूजा पाठ करने के लिए। ये सामने मेरा मंदिर है, देखिए अभी सुबह ही हुआ है, तो यहीं पे सुबह सुबह जाती है लोग पूजा पाठ करने के लिए। तो ये देखिए, शायद हो सकता है कि आप लोगों को दिखाई देगा। तो मैं सुबह का ही एकदम मॉर्निंग रूटीन चालू कर दी हूँ। तो ये पूरा समेटने के बाद से आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मेरा छत कितना प्यारा लगता है। और ये देखिए मेरा खरगोश, मैं ऊपर आती हूँ तो ये मुझे मेरे पास आ करके खेलता रहता, जैसे लगता है कि इसको मैं खाना लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा खरगोश है और एक ही रखी हूँ क्योंकि बच्चों का पसंद है। ये पूरा दिन छत पे ही खेलता रहता है, ये पूरा दिन। ये देखिए अब ये नीचे नहीं उतरेगा लेकिन ऊपर ही खेलता रहेगा। तो आइए हम दिखाते हैं, अपना पूरा काम कर लिए। तो ये रहा फाइनल मेरा लुक, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बनाई थी जब मैं कर रही थी, तो तब मेरा लड़का मोबाइल ले लिया था। तो फटाफट करके मैं अपना फाइनल लुक दिखा रही हूँ। देखिए ये मैं साइड पर रख दी, एक तूत का पेड़ लगाई हूँ, एक अनार का। और ये देखिए इतना तेज आंधी बह रहा है, ये पेड़ पौधा है सब। ये देखिए पूरा फूल है, इतना आंधी ज़्यादा बह रहा था कि क्या बताऊँ। ये मेरे लड़के का कैरम बोर्ड। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहीं पे वीडियो को अब मैं एंड करती हूँ और मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा फाइनल लुक देख लीजिए, तब तक के लिए बाय। और मेरे वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रख